वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवीं त्वं नमामि हरि प्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गुसाईर कोरी चरण बंधन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हंताय मद्रीर्बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनूति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानीय सूयवस कंदर कंद मूलहे हे सखियों ये गोवर्धन गिरी हरिदास श्रेष्ठ हैं हरिदास वर्य हैं कारण ये श्री कृष्ण बलदेव के श्री चरण स्पर्श से प्रमोदित होकर स्वच्छ जल सुगंधित सुकोमल तृण विचित्र गुफा और नाना प्रकार के कंद मूल आदि से गायों और गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण बलराम की
नाना प्रकार से सेवा किया करते हैं। तो हम लोग श्री गुरु गौरांग की कृपा से श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री श्री वेणुगीत पर काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं और इस श्लोक पर भी काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। आपने जाना कि कैसे श्री राधा रानी ने पर्वतराज गिरिराज श्री गोवर्धन को श्रेष्ठ हरिदास कहा, श्रेष्ठ हरिदास कहा, हरि का भक्त कहा, भगवान का भक्त कहा। किसने कहा? श्रेष्ठतम आराधिका, श्रेष्ठतम जो दास है श्री राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति जो भगवान के प्रेम का एकमात्र कारण है, ऐसी आह्लादनी शक्ति जो भगवान जब भी जहाँ भी लीला करते हैं, जहाँ भी प्रकट होते हैं कृपा करके धराधाम पर जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो ये आह्लादनी शक्ति भगवान की कांता के रूप में वहाँ आती हैं। श्री राधा रानी कांता के रूप में प्रकटित होती हैं। तो भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं, दास हैं, दासी हैं, लेकिन प्रेम का एक बहुत प्यारा स्वभाव होता है, प्रेम दंभहीन होता है, प्रेम विनम्रता के गुण का पोषक होता है, प्रेम निराभिमानता ले आता है। इतना दीन हो जाता है व्यक्ति इस प्रेम के चलते कि वो स्वयं को अवगुणों का आगार समझता है, स्वयं को कि मेरे ही अंदर समस्त अवगुण हैं, मैं ही कृष्ण सेवा नहीं कर पाई। सर्वोच्च प्रेम की शक्ति, इंसान भगवान का प्रेम प्राप्त करने चाहता है जब, तो उस प्रेम का मतलब ही है श्री राधा रानी की वृत्ति, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सार वृत्ति ही भक्ति है। तो इनकी कृपा के बगैर भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाना असंभव है। किंतु वो कहती हैं राधा रानी कि ये श्रेष्ठ हैं, हरिदास वर्य हैं, ये सबसे बड़े भक्त हैं गिरिराज जी। तो देखिए, ये है प्रेम की गहराई। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनते 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 ये महाभाव में स्थित प्रेम के अतल गहराइयों में स्थित, क्योंकि प्रेम सिंधु इनका असीम है और उसकी गहराइयाँ भी अतल है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई तल नहीं। वहाँ की स्थिति जिनकी, वो स्वयं को प्रेम विहीन मानती हैं, प्रेम की गंध मात्र मुझ में नहीं, ये मानती हैं। क्या बात है, बार बार नज़र बाहर ही जाती है, बाहर ही सोचती हैं कि हाय हाय, इन आँखों का क्या लाभ, जिन चक्षुओं से हम कृष्ण दर्शन नहीं कर पाए, हम कृष्ण दर्शन नहीं कर पाए, तो उन आँखों का क्या लाभ। आपको बताया, श्रीमन महाप्रभु ने भी यही कहा कि जिन आँखों से कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, उन चक्षुओं पर बिजली गिर जाए, कोई फायदा नहीं। श्री राधा रानी श्याम सुंदर की अपनी स्वरूप शक्ति, चिद शक्ति,
आह्लादनी शक्ति, जिनकी कृपा के बगैर माया से पार होना नामुमकिन है, असंभव है, उनका ये वक्तव्य, उनका ये वक्तव्य। जब महाप्रभु बोलते हैं, यानी राधा रानी ही बोलती हैं, महाप्रभु कहाँ बोल सकते हैं, कृष्ण कहाँ बोल सकते हैं? अरे जिसके महाभाव में स्थित हो वही महाभाव तो बोलेगा, जिसको अपने अंदर लेकर बैठे हो वही तो बोलेगा, वो प्रेममयी करुणामयी। उन्हीं के ये दीन वचन हैं कि दरिद्र मोर जीवन कृष्ण प्रेम बिना हाय। जो प्रेम निधि है, जो प्रेम का समुंदर है, जिसके एक बूंद प्रेम को लेकर के त्रिभुवन अप्यायित तो हो सकता है, वो कहते हैं दरिद्र मोर जीवन कृष्ण प्रेम बिना हाय। जिनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति कि जिनके अंग कांति को देखकर ही प्रेम उत्पन्न हो जाया करता था, गौर सुंदर को देखने मात्र से प्रेम हो जाया करता था, झारीखंड के चाहे वो पशु पक्षी जानवर हो या फिर दक्षिण भारत में गए हुए इतने लोग हों, गौर देश के अनेक अनेक लोग हों, समस्त गौर परिकर हों, जहाँ देखिए वहाँ प्रेम ही प्रेम। पात्र अपात्र, स्थान अस्थान, कुछ नहीं जाना, दाता शिरोमणि प्रेम ही प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम ही प्रेम, अवतार ही प्रेम बांटने के लिए हुआ। अवतार क्यों हुआ? आपने सुना था जब महाप्रभु ने कहा था कि कितने युग बीत गए ब्रज प्रेम नहीं बांटा, अरे अभी तो आए थे तुम श्री कृष्ण स्वयं, तो ब्रज प्रेम क्यों नहीं बांटा, क्या दिक्कत हो गई थी? तो बोलते हैं कि प्रेम का विषय था मैं, प्रेम का आश्रय ही जानता है कि ब्रज प्रेम क्या होता है। जो भक्त होगा, जो भक्त स्वरूप में होगा, वही भक्ति को संक्रमित कर सकता है हरि बोल। तो भगवान को भी भक्त का भाव लेकर आना पड़ेगा, तभी इस प्रेम का वितरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्री कृष्ण जहाँ राग भक्ति को बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में रण क्षेत्र के बीच में, चारों तरफ लड़ाइयों के बिगुल बज रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तरीका बता दिया, मेरा मनन करो, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, कुछ तो करो तो मुझे प्राप्त कर लोगे, मुझे प्राप्त कर लोगे तो वापसी नहीं होगी, कृष्ण प्राप्ति के बाद वापसी नहीं होती है। लेकिन यहाँ प्रेम की बात बीच में कहाँ से आ गई? देखो ये राधा रानी क्या बोलती है, हरिदास वर रहे हैं गिरिराज जी, और ये स्वयं क्या है? तो ये प्रेम की बात बीच में कहाँ से आ गई? तो प्रेम की बात इसलिए आ गई बीच में कि जीव तो अनादि बहिर्मुख है कृष्ण से, उसको तो पता ही नहीं कि मेरे और कृष्ण के बीच में प्रेम का ही संबंध था और है और रहेगा। इस प्रेम के मारे मारे ही हम यहाँ वहाँ प्रेम को ढूंढ रहे हैं, यही प्रेम चाहिए पता नहीं किसी को, तो जगत में ढूंढ रहे हैं, और क्या मिलता है हाथ में, क्या आता है हाथ में, खालीपन, ठोकर, निराशाएं आएंगी ही, क्योंकि प्रियता का संबंध एकमात्र कृष्ण से था। हम भूल गए, हमें पता नहीं, अनादिकाल से भूले हुए हैं, कभी याद था ऐसा भी नहीं है, लेकिन कृष्ण नहीं भूले, तो उन्हें पता है कि ये जो जगत के जीव है ना, कृष्ण ने कहा गीता में क्या कि चार तरह के लोग मेरा भजन करते हैं,
आरती अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानियों को छोड़कर जो तीन हैं वो सकाम भजन करते हैं, कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, पर सब एक बात जानते हैं कि जन्म मृत्यु के भव सागर से निकलने का एकमात्र उपाय भजन है। बहुत विरले लोग जानते हैं हालांकि ये बात, लोग तपस्या योग आदि में चले जाते हैं। तो भगवान से जब मांगते ही हैं कि प्रभु अब दोबारा जन्म मत देना, तो कोई निर्विशेष ज्योति में घुसता है, तो कोई सालोक्य मुक्ति, कोई शास्त्रीय मुक्ति चाहता है, कोई सामिप्य मुक्ति चाहता है, कोई सायुज्य निर्विशेष में चला जाना चाहता है। लेकिन ये जो पांच प्रकार की मुक्ति है, उस मुक्ति में प्रेम कहीं नहीं है, वैदिक भक्ति करने से भी मिल जाएगी, यही तो बोल रहे हैं महाप्रभु कि ऐश्वर्य भाव से भजन करने से वैकुंठ में प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रजेंद्र नंदन का माधुर्यमय स्वरूप, जो रसोवै सह हैं, जो आनंद घन हैं, अगर उनका सामिप्य, उनकी सेवा, उनका माधुर्य का आस्वादन करना है, तो वैदि भक्ति नहीं, राग भक्ति से कार्य चलाना होगा। रागानुगा भक्ति का भजन चाहिए। तो भजन चाहिए, ठीक बोल दिया, राग भक्ति का प्रचार हो गया, पर ये सिखाएगा कौन? तब श्री राधा रानी की अंग कांति, उनके महाभाव को लेकर और अपने अंतरंग, जो उनके इच्छाएं थी, तीन इच्छाएं, उनकी पूर्ति एक अलग बात, पर ब्रज प्रेम कोई युगावतार नहीं दे सकता मुझे छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर ब्रज प्रेम कोई नहीं दे सकता, और उसके लिए भी राधा रानी की सहायता चाहिए, प्रेममयी करुणामयी, क्योंकि वही है एकमात्र जो स्थानास्थान नहीं देखती, जो पात्र पात्र नहीं देखती, जो कुछ नहीं देखती, वो प्रेममयी हैं, इसलिए कुछ और नहीं देखती, कृष्ण देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवान ने बोल दिया, कृष्ण ने बोल दिया, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसी रूप में उसका भजन, यानी उसके भजन का प्रतिदान देता हूँ, बोल दिया। कितनी बड़ी बात बोल दी, यानी हमें तुम्हारा भजन करना होगा, हम अगर भजन में सफल हुए तो तुम हमें हमारे भाव के अनुसार प्राप्त होगे। लेकिन राधा रानी, उन्हें नहीं पता, वो तो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो हमारे महाजनों ने लिखा कि कृष्ण प्रेम दो तरीके से मिल सकता है, या तो कोई राधा रानी के दर्शन कर ले, या फिर राधा रानी स्वयं आकर दर्शन दे दें। तो इतना भजन तो हमारा नहीं कि हम दर्शन कर लेते, तो गौर हरि के रूप में राधा रानी प्रेम वितरण के लिए प्रकट हो गई। तो श्री राधा भाव महाभाव से उनका विग्रह गठित है। तो वो कह रहे हैं क्या कि कृष्ण प्रेम बिना मेरा जीवन दरिद्र, और दूसरी जगह कहते हैं कि बहुत युगों से जगत के जीवों को मैंने ब्रज प्रेम नहीं दिया, यानी ब्रह्मा के एक दिन में तो आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार दिया था, पिछली बार दिया, कितने कितने हजारों हजारों करोड़ों युग बीत गए तब दिया था। तो कृष्ण प्रेम देने के लिए जिनका अवतार है वो कहते हैं कि मुझे प्रेम नहीं। क्यों कहते हैं? कौन उनके भीतर बैठकर कहता है? तो प्रिया जी, स्वामिनी बैठकर कहती हैं कि दरिद्र मोर जीवन, कृष्ण प्रेम बिना हाय, कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम बिना हाय दरिद्र मोर जीवन, अपने ही माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, और उस माधुर्य के आस्वादन को करते 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 हृदय में इतनी तृष्णा,
इतनी तृष्णा बढ़ गई कि कहते हैं कि मुझे प्रेम नहीं। गोपियों का यही तो हाल है, यही तो हाल है समस्त गोपियों का। क्या कह रही हैं? अगर हम सूखी बांस की लकड़ी होती तो हमारा जीवन धन्य होता, क्योंकि कृष्ण की बंसी के रूप में हम उनके अधरों पर विन्यस्त रहते। कौन कह रहा है ये? प्रेम सिंधु, जिसके एक बूंद को पाकर के, एक बूंद भी क्या, बूंद का आभास मात्र पाकर के जीव धन्याति धन्य हो जाएगा, धन्याति धन्य। उसे अपने स्वरूप की सेवा की प्राप्ति होगी। स्वरूप अनुबंध है कृष्ण प्रेम हमारा, हम भूल गए। लेकिन जब तक ये प्रेम नहीं मिलेगा, जीव कभी भी कृष्ण सेवा की अभिलाषा नहीं कर सकता। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा मांगे नरोत्तम दास। नहीं बोल रहे कि आप मुझे सेवा दे दो, बोल रहे कब मिलेगी ये सेवा, कब अभिलाषा जागृत होगी, कब आकांक्षा जागृत होगी। किंतु प्रेम की का तो बूंद नहीं, रति नहीं, रति का अभाव, भाव का अभाव, तो फिर कौन सी सेवा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति कलेवरम, तम तम मैं वेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। बताइए, भगवान ने कह दिया जिस भाव में चलोगे उसी भाव को शरीर छोड़ते हुए याद करोगे उसी भाव की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण सुखेक तात्पर्यमयी सेवा जब तक इसके प्रति मन में अभाव नहीं जागृत होगा कि हा कृष्ण, हा कृष्ण तुम कहाँ, हा श्री राधे कहाँ हो, श्री गुरुदेव ने तो कृपा करके तुम्हारे चरणों में सौंप दिया, मगर हा कितनी अयोग्यता है मेरी, क्या इसके बावजूद भी मैं अधिकारिणी बनूंगी तुम्हारी कृपा पाने की। इतने अवगुणों के बावजूद कली काल में पैदा हुआ मैं जीव, काम वासनाओं के कीड़े कुलबुलाते हैं हर पल हर क्षण मन में, पर सुना है तुम तो बहुत कृपामयी हो, तुम तो प्रेममयी हो राधे। हाँ गौर, मिले भी तो कैसे मिले, श्री गुरु कृपा से तुम्हारा पता चला कि तुम पात्र पात्र नहीं देखते। महाजनों ने बोला प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, मोरे अवगुण चित्त ना धरो। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये यथाम माम प्रपद्यन्ते। लेकिन गौर कहते हैं क्या, गौर कुछ भी नहीं कहते, गौर सिर्फ देखते हैं और प्रेम देते हैं। श्री कविराज गोस्वामी ने कहा कृष्ण नाम में तो अपराध का विचार है, पर निताई गौर नाम में कोई अपराध का ही विचार नहीं, लेते ही प्रेम की वर्षा, नाम लेते ही प्रेम की वर्षा। क्यों? क्योंकि महाकारुण्यमय अवतार ब्रजेंद्र नंदन का श्री राधा रानी के महाभाव में, महाकारुण्यमय अवतार। तो ये देखिए, यहाँ जब हम श्री वेणुगीत का पाठ करते हैं तो यही विचार आता है बार बार कि ये प्रेम कैसे हृदय को का दलन करने लगता है। ये प्रेम हृदय को मत मत करके, मत मत करके उसकी कठिनता को बाहर कर देता है। महाभाव का अर्थ है स्व सुख वासना का लेश मात्र गंध ना हो, और कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा जिनके जीवन का अभीष्ट है, जो निमेश मात्र के लिए कृष्ण आदर्शन के बगैर कैसे रहेंगे, कृष्ण आदर्शन उनके लिए नामुमकिन है, असहनीय है।
निमेश मात्र पलक झपकने में जो समय लगता है, उतना भी अगर समय गुजर गया तो लगता है कि इन प्राणों को क्यों धारण करूं इस हृदय में, इससे अच्छा ये प्राण निकल जाए। ये महाभाव का स्वरूप है। जो वर्णाश्रम धर्म, वेद धर्म, आर्य धर्म, लोक धर्म, धर्म अधर्म कुधर्म कुछ नहीं जानता, वो एक चीज ही जानता है, कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा। ये गोपियों का विदेह रूप है, विदेह रूप। देही तो है ही नहीं, जिनकी समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण सेवा में लग गईं, मन समेत, जिनकी आत्मा कृष्ण सुख की ही अभिलाषी है, तो उनकी देह कहाँ है? वो तो विदेही हैं, गोपियां तो देह से विहीन हैं। देह दिखती है, सजती हैं, पर सजदी कहाँ है? कई बार सोचती हूँ, सजदी कहाँ है कृष्ण के लिए? ये तो पूर्वराग की भूमि है, पर जब कृष्ण मिलन के लिए वो भागते हैं तो देह का अनुसंधान कहाँ रहता है? सोचो, कोई अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाता है तो पूर्ण श्रृंगार करके जाता है, लेकिन वो तो आंखों में आलता और पाँव में काजल लगा के भागते हैं, उन्हें होश नहीं। वो तो पाँव की जो पायल है वो गले में डाल लेती हैं, किंकड़ियों, ये जो कटी किंकड़ी हैं गले में डाल लेती हैं, और गले की चीज़ों को पाँव में डाल लेती हैं, उन्हें होश कहाँ बेचारियों को, उन्हें होश नहीं। कृष्ण सुख की अभिलाषा से परिपूर्ण उनका देह है, इसीलिए विदेह है ये गोपियाँ। तो ऐसी महाभाव, महाप्रेम की सिंधु कि एक बूंद को मुझ जैसा तुच्छ जीव क्या वर्णन कर पाएगा, ना प्रेम है, ना शक्ति है, ना निष्ठा है, ना रुचि है, ना भाव है। मुंह उठाए चले आते हैं, किताबें खोलते हैं, बक बक करके चले जाते हैं। ये गोपियों का महाभाव, ये डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो ये जिस भी चीज का संबंध श्याम सुंदर से देखती हैं, सोचती हैं यही मैं हो जाती। हम श्री राधा रानी के लिए राधा कृपा कटाक्ष बोलते हैं, श्री राधा रानी वर दो, प्रेम मिले, श्री राधा रानी चरणों में स्थान दो। और राधा रानी कहती हैं कि अगर मैं नदी हो जाती, अगर मैं मेघ हो जाती, अगर हम ये जानवर बन जाती, कृष्ण सार जिन्होंने अपना नाम सार्थक किया, ये मृग हम ही बन जाते तो क्या था? विधाता तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुमने एक मछली को बिना पलकों वाली आंखें दे दी और हमें पलकें दे दी। जो आंखें कृष्ण दर्शन के लिए सदा सर्वदा प्यासी रहती हैं, उन्हें पलकों से बाहर ही कर दिया, उन्हें झपकना पड़ता है। कितनी बड़ी बाधा। तो ये जो कृष्ण प्रेम की सिंधु हैं, कृष्ण प्रेम से ही जिनका पूरा कलेवर गठित है, स्वामिनी श्री राधा रानी, वो कहती हैं कि ये जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं, ये हरिदास वर्य हैं। यही बात होती है, जो भगवान से प्रेम करता है उसकी नज़र कभी अपनी भक्ति की तरफ नहीं होगी, वो सदा दूसरे में देखेगा ये कितनी अच्छी भक्ति करता है। तुम मुझ पर कृपा कर दो, वो हर एक से कहेगा कृपा 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 कर दो। क्यों कहेगा? यही प्रेम का स्वरूप है। निगाहें दूसरे को अच्छा मानती हैं, अच्छा प्रेमिक भक्त मानती हैं, और स्वयं को तुच्छ जानती हैं। यही प्रेम की निशानी है। तो
यहाँ राधा रानी कह रही हैं। कैसे पता चला कि ये राधा रानी कह रही हैं? ये पता चला हमें गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशक में बताया। गिरी नृप हरिदास श्रेणी वरियेति नामा मृत मिद मुदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रात ब्रजनवती लकत्वे क्लप्त वे दहे स्फुटम में। वो बता रहे हैं कि श्री राधा रानी ही तो बता रही हैं आपको कि आप इतने प्यारे हरिदास श्रेष्ठ हैं, तो हे गिरिराज मुझे अपने तल में वास दो। प्रार्थना कर रहे हैं उनके चरणों में, क्योंकि मोहर लगी है किसकी? प्रेम सिंधु की मोहर लग गई कि तुम सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। किसी आम आदमी की मोहर थोड़ी लगी है, मोहर लगी है श्री राधा रानी की, अप्रूव्ड बाय राधा रानी, सर्टिफाइड कि हाँ आप ही हरिदास बन रहे हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में 3 हरिदास का नाम हमने आपको बताया, लेकिन इसमें जो सर्वोच्च हरिदास पर श्री प्रिया जी ने हाथ रख दिया कि यही है हरिदास वर, क्योंकि अपने तन से सेवा करते हैं श्याम सुंदर की, गोप बालकों की, गाभियों की, गऊओं की, महिषों की, समस्त कृष्ण परिकरों की, अपने तन से सेवा करते हैं। क्यों कह रही हैं कि अपने तन से सेवा करते हैं? हैं, क्यों कह रही हैं? कह रही हैं क्योंकि अपनी असहायता को महसूस कर रही हैं। अवहित्ता भाव है यहाँ पर जबरदस्त। अपने है ना, अपने तन मन को पूर्णतया कृष्ण रस में जो डुबोए हुए हैं, उसको यही दुख है कि मैं तन मन से श्री कृष्ण की सेवा कब कर पाऊंगी। तो वो दर्द है जो तारीफ के रूप में निकल रहा है, उस वेदना को समझो। ये जबरदस्त वेदना है, ये वेदना है असहाय अवस्था का द्योतक है, चिन्ह है, डिस्क्रिप्शन है कि मैं कब इस तन से और मन से हे कृष्ण तुम्हारी सेवा कर पाऊंगी। ये सब महा सब गोपियों का हाल है, और ये सारी गोपियां सब राधा रानी ही तो हैं, उन्हीं की तो काय व्यूह स्वरूप है सारी, क्योंकि रस निर्यास के लिए अनेक परिकरों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाव में, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, और चाहे मधुर भाव ही क्यों ना हो, और इस मधुर भाव में आपको बताया कि श्री राधा रानी श्याम सुंदर की श्री आह्लादिनी शक्ति हैं साक्षात, और जिस भी स्वरूप में श्याम सुंदर यानी जिस भी भगवत स्वरूप, चाहे वो नारायण स्वरूप हो, चाहे वो श्री राम स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, भगवत स्वरूप में भगवान अवतार लेते हैं, प्रिया जी भी उनका जो अंश है ना, प्रिया जी का जो अंश है वो भी वहाँ अवतार लेता है, क्योंकि भगवान का अंश अवतार लेता है तो प्रिया जी का भी उतना ही अंश अवतार लेता है। लेकिन ध्यान रखना, ये आह्लादिनी शक्ति विशेष में ही होता है। 3 प्रकार की शक्तियाँ, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। जो संदिनी शक्ति प्रधान, जो संदिनी प्रधान शक्ति हैं, जहाँ यशोदा जी हैं, जहाँ नंद बाबा हैं, जहाँ गोपग्वाल हैं, ये सब संदिनी शक्ति से प्रकटित हैं। ये नहीं जाते श्याम सुंदर के साथ। नारायण के कोई माँ बाप नहीं है, पर नारायण की कांता लक्ष्मी है, लक्ष्मी प्रिया जी का अंश है। तो जो प्रेम की कारण है वो बता रही हैं क्या, कि भगवान का जो सेवा करते हैं ये जो गिरिराज जी, ये बहुत
प्यारे भक्त हैं, हृदय से सेवा करते हैं, जल देकर सेवा करते हैं, इतना मधुर जल देते हैं। जब कृष्ण और बलराम और सखा खेलते खेलते गैया चराते चराते प्यासे हो जाते हैं, तो वो अपनी प्यास श्री गिरिराज जी पर स्थित जो सरोवर हैं निर्मल जल के, उससे बुझाते हैं। तो सेवा हुई ना, गौएं वहाँ प्यास बुझाती हैं। कितने कितने कुंड हैं, कितने कितने सरोवर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा इसलिए करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि गिरिराज गोवर्धन जी में क्या क्या सरोवर आदि हैं और कौन सी शिलाएं हैं, थोड़ा सा बताएंगे। फिर आज गिरिराज जी का जो ये चैप्टर है, इसे ये यहीं पर समाप्त रहेगा क्योंकि काफ़ी समय से हम बोल रहे हैं। तो अपने तन से सेवा कर रहे हैं, तो हरिदास बन रहे हैं और सोच रही हैं अपनी उन समस्त लीलाओं के विषय में भी जो कि वहाँ होती हैं, श्री राधा कुंड में, श्री श्याम कुंड पर कितनी सारी लीलाएं होती हैं। इन्हीं गिरिराज जी के तट पर बैठ करके, यानी कि श्याम कुंड और श्री राधा कुंड की लीला जब होती है, तो वहाँ पर राधा श्याम सुंदर, ये तो पूर्वराग की भूमिका है, लेकिन जो नित्य लीला होती है वहाँ पर जो आनंद होता है, उस आनंद की हम चिंतन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये साक्षात रसो वैसाह और महाभाव का मिलन रूपी आनंद होता है ना? तो वो जो मिलन रूपी आनंद होता है उसकी एक झलक हम ज़रूर देख सकते हैं जब, क्योंकि वहाँ ये याद रखिए कि गिरिराज जी या श्री वृंदावन धाम, पूरा ब्रज 84 कोस, यहाँ जो कुछ भी है वो कृष्ण सेवा के लिए है। जो कुछ भी है, चाहे सखियाँ हो, चाहे वो स्वपक्षा हो, चाहे वो विपक्षा हो, चाहे वो सुहृत सखियाँ हो, चाहे वो चंद्रावली जी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब कोई किसकी सेवा के लिए है? श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा के लिए है, रस के निर्यास के लिए है, रस के वैचित्र्य के लिए है, उसके आस्वादन के लिए है। क्योंकि कृष्ण क्या है? रसो वैसा। और रस की खासियत क्या है? कि वो आस्वाद्य भी होता है और आस्वादक भी होता है। तो जो आस्वाद्य है वही आस्वादक है, तो दोनों को बड़े सुंदर आस्वादन कराते हैं वहाँ के पशु पक्षी भी। जैसे कि जब राधा श्याम सुंदर बैठे होते हैं तो उनकी उंगलियों पर आकर शुक और सारी बैठ जाते हैं, है ना? शुक बैठ जाते हैं और सारी बैठ जाते हैं, तो वो इतनी सुंदर सुंदर वार्ताएं बोलते हैं, है ना? एक झलक देखिए, बड़ी प्यारी है, इतनी सुंदर। क्यों? प्रिया और प्रियतम की सेवा के लिए, है ना? जिसे देखकर समस्त सखियाँ बहुत प्रमोदित होते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, हमारे गोस्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है सुख सारी के द्वंद्व का। वृंदावन विलासिनी राई अमादेर, राई अमादेर, राई अमादेर, सुख बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, सारी बोले अमार राधा बामे जतो खण। बोलते हैं क्या? सुख बोलते हैं, देखो देखो सारी, तुम्हारी राधा रानी की अपेक्षा हमारे कृष्ण को देखो, ये मदन मोहन हैं, इन्होंने मदन को मोहित किया है, साक्षात कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। कोटि कोटि कामदेव, अनंत कोटि कामदेव श्री कृष्ण के आगे मूर्छित हो जाते हैं। याद रखिए, वृंदावन की लीलाओं में मात्र प्रेम है, काम नहीं है। ये कई बार इसलिए बताया क्योंकि गोपियों को विदेह बोला गया है, विदेही, है ना? स्वसुख की लेश मात्र गंध नहीं, तो काम कैसे होगा? जब स्वसुख होगा तो काम होगा ना, तो वहाँ काम नहीं। कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा है और उसी का नाम प्रेम है। और याद रखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी प्रेम को हमारे लिए प्रयोजन तत्व बताया, पुरुषार्थ तत्व बताया, कृष्ण प्राप्ति को पुरुषार्थ नहीं बताया, प्रेम को बताया। क्योंकि
जितना प्रेम होगा उतना ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन होगा, और बिना कृष्ण माधुर्य के आस्वादन के भक्ति सूखी हो जाएगी। सूखी सूखी भक्ति, सूखापन रहेगा, कोई आस्वादन ही नहीं है। माला बस घटघट घटघट माला किए जा रहे हैं, कोई आस्वादन ही नहीं है, कहीं कुछ हृदय में उतरता ही नहीं है, कोई स्फूर्ति नहीं होती है, कोई क्रंदन नहीं होता है, कोई अभाव जागृत नहीं होता है। बस हरि नाम लिए जा रहे हैं और इसकी उसकी चर्चा किए जा रहे हैं, तो ये क्या भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रेम है ये प्रयोजन तत्व है। तो शुक बोल रहे हैं कि देखो मेरे कृष्ण मदन मोहन है। राधा रानी बोल रही है हाँ हाँ मदन मोहन है भाई। कामदेव, जिस कामदेव के चक्कर में पूरी दुनिया त्रैलोक के पड़ा है, त्रैलोक के पड़ा है। इंद्र भी जब भगवान का दर्शन किए, भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने अप्सराओं को मांग लिया। भगवान से भक्ति नहीं मांगी, अप्सराओं का लाइन लगा दी भगवान ने, देखो देखो कितनी सुंदर नारियां, तुमने मेरी तपस्या भंग करने के लिए नारियां भेजी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास एक से एक स्त्रियाँ हैं। भगवान ने दिखाया, लो ये देखो क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा दो सॉरी इंद्र ने कहा वही चाहिए जिन्हें अभी आपने दिखाया। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि स्वर्ग में विषय भोग हैं, विषय भोग हैं। इंद्र एक पद का नाम है, यहाँ जो भी आता है वो ईर्ष्या द्वेष का शिकार हो जाता है बेचारा, विषय भोग हैं। वहाँ कृष्ण भक्त अर्जुन गए और उर्वशी को नृत्य करते देख रहे हैं, सोच रहे हैं देखो ये हमारे पूर्वजों के पास भी आई थी और अभी भी 16 वर्षीय स्त्री की तरह दिख रही हैं, सोच रहे हैं। इंद्र सोच रहे हैं ओहो इस पर मन आ गया है अर्जुन का, तो भेज दिया उन्हें, जाओ जाओ अर्जुन के पास जाओ। अर्जुन ने कहा हे माते, तो कुपित हो गई, मुझे माते बोला, श्राप दे दिया, जा तू नपुंसक हो जा एक वर्ष के लिए, वृहनाला के रूप में आना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां भोग है। तो यहां बोल रहे हैं कि देखो ये मदन मोहन है हमारे कृष्ण, तो बोल रहे हैं हाँ तभी तक है जब तक, जब हमारी राधा रानी बाएं भाग में बैठती हैं तो ही इनके अंदर वो शक्ति आती है कि ये काम को जय कर लें, नहीं तो ये तो तुम्हारे कृष्ण शक्ति विहीन है। फिर शुक बोले अमार कृष्ण गिरी धरे छिलो, मेरे जो कृष्ण है हे सारी, इन्होंने तो गिरिराज पर्वत उठाया, देखो कितने शक्तिशाली हैं। तो सारी बोलती अरे चुप रहो चुप रहो, अमार राधा शक्ति संचारी लो, ऐसे थोड़ी ना उठाया तुम्हारे कृष्ण ने गिरिराज जी को, अजी हमारी राधा रानी ने उनके अंदर गिरिराज जी को उठाने की शक्ति संचारी। नहीं ले पार्वे कहनो, नहीं तो कैसे कर सकते थे, असंभव था, असंभव था, जाहिर है। और मजे की बात यह है कि देखो हम जब कोई खेल खेलते हैं, मैं ये सोचती हूँ, तो हम हमेशा जीतना चाहते हैं। दो बच्चे अगर खेलते हैं, अगर एक हारता चला जाएगा तो खेल ही बिगाड़ देगा कि अब मुझे नहीं खेलना, तोड़ फोड़ के चल देगा, है ना। ये खेल इनका शक्ल बड़ी होती चली जाती है, फिर बिजनेस में खेल होने लगते हैं, फिर नौकरियों में खेल होने लगते हैं जिसे लोग पॉलिटिक्स कहते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो वहाँ हम जीतना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण वो आनंदित होते हैं जब वो प्रेम के आगे घुटने टेकते हैं, जब वो प्रेम के आगे हार मानते हैं, जब वो प्रेम के आगे हार मानते हैं और यशोदा जी उन्हें बांध पाती हैं, असीम को बांध देती हैं, प्रेम बंधन में आ जाता है। और बड़े मजे से कहते हैं दुर्वासा मुनि को, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः, हम तो जी भक्त में के हाथ में बंधे पड़े हैं, हम तो पराधीन हैं। अरे तुम दूसरों का बंधन छुड़ाते हो, तुम मुकुंद हो, तुम बंधे पड़े हो। तो बोलते हैं हाँ जी हम भक्त पराधीन हो, हम अस्वतंत्र हैं, बताओ कैसे हैं। तो इन्हें हारने में, प्रेमियों के आगे हारने में, असुरों के आगे हारने में नहीं। कृष्ण तो वैसे भी असुर का कभी मारा नहीं उन्होंने, कृष्ण ने कभी असुर को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा?
क्योंकि उनके अंदर स्थित विष्णु तत्व ने संहार किया। कृष्ण को तो पता भी नहीं कि कौन असुर मरा क्या हुआ, उन्हें नहीं पता, वो तो माधुर्यमय खेल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो सखा भाव में हो, चाहे वात्सल्य भाव में हो, चाहे वो माधुर्य रस में हो। तो बोलते हैं कि मेरी राधा रानी ने शक्ति संचारी ना, तभी तुम्हारे जो कृष्ण हैं वो गिरिराज जी को धारण कर पाए। तो शुक बोले, अमार कृष्णेर माथाए मयूर पाखा, देखो मेरे कृष्ण कितने सुंदर लगते हैं, मयूर पंख से सुसज्जित उनका माथा है, मयूर पंख कितना सुंदर लगता है। तो राधा रानी बोलती है, हाँ हाँ अमार राधार नामटी ताते लेखा, उस पर मेरी राधा रानी का ही तो नाम लिखा है, इसीलिए सुंदर लगता है, वरना कोई सुंदरता नहीं है तुम्हारे कृष्ण में भी और तुम्हारे इस मयूर पंख में भी जो श्री कृष्ण ने लगाया हुआ है। शुक बोले, अमार कृष्णेर चूड़ा बामे हेले, शारी बोले अमार राधार चरण पावे बोले। शुक बोल रहे हैं, देखो देखो मेरे कृष्ण का जो कितना मनोहर चूड़ा है जो उन्होंने बांधा है, वो चूड़ा बाएं तरफ हिल रहा है, मतलब बाएं तरफ हिल रहा है, ये बाएं कौन बैठी हुई है, राधा रानी। तो सारी ने तुरंत बोला, हाँ हाँ मेरी राधा रानी का चरण पाना चाहता है इसलिए हिलना तो पड़ेगा ही। एक जगह बैठे बैठे प्रेम सिंधु के चरण थोड़ी ना पाए जाते हैं। देखो क्या तो हमारे गौर थे, जब भी राधा रानी का नाम आता है गौर की याद यूं ही आ जाती है ना। देखो भला क्या थे, मतलब खुद देख देख के प्रेम दे दिया, सबको दिया, सबको, पंडितों को, कुतार्कियों को, सन्यासियों को, किसी को नहीं छोड़ा, प्रेम की वन्या में बहा दिया। और जब चले गए तो उसके लिए भी प्रबंध कर गए, हमारे समस्त जो गोस्वामी गण हैं, श्री रूप जी, सनातन जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि जितने भी हमारे गोस्वामी गण हैं, कविराज जी है ना, लोकनाथ जी, समस्त गोस्वामियों के द्वारा इस प्रेम की साधना का आचरण दिखाया। और ग्रंथों के द्वारा हम जैसे कलिहत जीवों के लिए भी छोड़ गए कि आचरण कैसा हो। तो क्या बंदोबस्त करके गए, खुद भक्त बने, भक्त के रूप में आचरण दिखाया कि ऐसे करना है, ऐसे हरि नाम लेना है, ऐसे कीर्तन करना है, भगवान के रूप का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन, उनके नाम का कीर्तन, संकीर्तन से ही पूजा होगी। महाराज निमि, महाराज निमि कौन है, राजा जनक ही महाराज निमि है, त्रेता युग की बात हो रही है। महाराज निमि को करभाजन ऋषि ने बता दिया कि कली के एकमात्र भगवान गौर सुंदर हैं, एकमात्र उपास्य तत्व है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञेर संकीर्तन ही यजंती प्राय सुमेधसः। ऐसे जो भगवान है वो क्या है, इसके मुख में क्या होता है, कृष्ण वर्ण रहता है, कृष्ण नाम रहता है सदा, कृष्ण वर्णम। और अकृष्ण हैं गौर, पीले हैं, पीले हिमांग हैं, स्वर्ण द्युति वाले। तो ऐसे कृष्ण, गौर कृष्ण यानी गौर हरि यानी गौरांग यानी कि निमाय, इन्होंने प्रेम की बन्या में सब कुछ बहा दिया और हमारे लिए साधन पद्धति दिखा गए। क्या इसीलिए तो नमो महावादान्याय हो गए, दे दिया भी तो क्या दिया, ब्रज प्रेम नहीं मंजरी भावोपासना दे दिया, क्या दिया हम जैसे कलिहत जीवों को, देखो भला है ना। मैं सोचती हूँ कि जो दीक्षित लोग हैं उनका मंजरी भावोपासना पर हम महीने में एक क्लास लेंगे वृंदावन में, और यहाँ पर हम तीन क्लास लेंगे, क्योंकि नहीं तो उनके भजन की बात हम उनसे नहीं कर पाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये ठीक रहेगा ना, मात्र दीक्षित लोग। तो आगे बोले क्या, शुक बोले अमार कृष्ण जशोदार जीवन, कृष्ण क्या बोले, शुक क्या बोले, मेरे कृष्ण यशोदा मैया के जीवन हैं। और शारी बोले अमार राधा जीवनेर जीवन। जो यशोदा मैया के जीवन हैं और हमारे भी तो जीवन वही है,
तुम सोचो श्री कृष्ण के अंश ही तो हैं परमात्मा, अंश भी क्या, अंश के अंश के अंश, कलांश, वही तो है परमाता, परमात्मा क्षीरोदशायी विष्णु वही तो है। और वो विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, कृष्ण के कलांश। और वो परमात्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकलते हैं तो कितना भी सुंदर शरीर हो, झट उसे जलाया जाता है, बहाया जाता है, दबाया जाता है। अब उस शरीर की कोई कीमत नहीं, उस शरीर की कोई कीमत नहीं, और उस शरीर के पीछे हम भागते हैं, धाएं धाएं धाएं, इसका शरीर सुंदर, उसका शरीर सुंदर, उसे देखो, उसे भागो, इसकी फोटो चिपकाओ, उसका, हे भगवान, शरीर क्या औकात है, शरीर की मात्र एक माध्यम, एक लिफाफा ही तो है जिसमें कोई चीज़ आई, चीज़ नहीं देखते हैं, शरीर देखते हैं, है ना, उस सब तरह के कर्म करने को तैयार हैं शरीर के पीछे। माया है, यही तो माया है, अविद्या, कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है, तुम्हारी यशोदा का जीवन है और समस्त हम सबका भी तो जीवन है, तो शारी बोली, और मेरी राधा इस जीवन की जीवन है मेरी राधा इस जीवन की जीवन है, नहीं ले शून्य जीवन, नहीं तो जीवन भी शून्य है तेरा, जीवन की जीवन है। बात भी सही है, पूर्वराग की भूमि पर जो राधा राधा बोल करके श्री श्याम सुंदर श्री राधा कुंड के तट पर बैठकर अहर्निश क्रंदन करते हैं, राधा 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 रा बोलते हैं, और धा बोलने की प्रतीक्षा के लिए कान खड़े कर लेते हैं, अब धा बोलेंगे, भागते हैं बोलने वाले के पीछे, तो बताओ जीवन ही तो है, है? कितनी सुंदर। और फिर कहते हैं शुक बोले अमार कृष्ण जगत चिंतामणि, जगत चिंतामणि, यानी कि जगत जो चिंतन करता है उसका फल मेरे कृष्ण ही देते हैं। आपका चिंतन है पैसा कमाऊं, और खूब भजन किया, खूब भजन किया, भगवान पैसा भी दे देते हैं, ले कमा। कई बार आप इतना कमाते हो कि आप रोने लगते हो कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं थक गया, अब नहीं कमा सकता, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, ये भी होता है, चिंतामणि है। आपका जो चिंतन है उसको फल दे देते हैं, आप हरि नाम करोगे, जैसा चिंतन करोगे फल मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा तो अधन्य ये जीवन, कृष्ण प्रेम बिना हाय। क्योंकि भारत में जन्म मिला, मनुष्य जीवन मिला, और गुरुदेव मिल गए इतने प्यारे हमें, श्री राधा कुंड का हमें आश्रय मिल गया, वहाँ हमारे प्यारे गुरुदेव मिल गए, प्यारे प्यारे वैष्णवों का संग मिला, गीता भागवत श्री चैतन्य चरितामृत गौर हरि जैसे प्यारे महावदान्याय भगवान मिले, गुरुदेव ने कृपा करके मंत्र दीक्षा सब दे दी, और उसके बाद भी हमने कोई कोशिश नहीं की अपनी साधन को करने की, क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं साध्य वस्तु साधन बिना केहू ना ही पाए, बैठे बैठे नहीं मिलेगा, साध्य के लिए साधन करना पड़ेगा, क्या दौड़ रहे हो इधर उधर, जिसके लिए दौड़ लगानी है इसी एक चीज के लिए। तो कृष्ण प्रेम, अब इसीलिए बोल रही है राधा रानी कि शारी बोले अमार राधा प्रेम प्रदायिनी, तेरे कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते, राधा ही प्रेम दे सकती हैं, हरि बोल, अमार राधा प्रेम प्रदायिनी। तो जिसके कारण तुम क्या, तुम तो भागते रहते हो ना लोगों के पीछे पीछे एक एक बूंद के प्रेम के लिए, तो वो प्रेम भी कहाँ से आता है, यही तो देती है प्रेम प्रदायिनी। तुम खाते क्या हो, तुम प्रेम खाते हो, तुम तो निराहार रह जाओगे जो प्रेम मिलेगा ही नहीं, कोई तुम्हें भोग लगाए 56 भोग दुर्योधन की तरह, तो तुम्हें तो भागना पड़ेगा, वहां प्रेम तो है नहीं। और कोई विदुर जी की पत्नी की तरह केले का छिलका खिलाए और प्रेम से लिपटा हो तो तुम कच कच खा जाते हो, सोचते भी नहीं टेस्टी नॉन टेस्टी क्या है, कुछ नहीं, तुम तो प्रेम के गुलाम हो। मगर ये प्रेम जो तुम आस्वादन करते हो अपने स्वरूप के आनंद से भी ज्यादा, एक तुच्छ
अणु जीव के हृदय में साधन भक्ति से कमाया हुआ वो अणु सा प्रेम उसके पीछे दौड़ते हो कि इसके चरणों की धूल से मैं अब दूषित हो जाना चाहता हूँ तुम दौड़ते हो तो अमार राधा से ही प्रेम प्रदायी ने वो राधा रानी की कृपा है। से तुम्हार कृष्ण जानी वो कृष्ण जानते हैं। शुक बोले अमार कृष्णेर बंसी करे गान, मेरे कृष्ण की बंसी गान करती है, तुम्हें पता है ना उसकी महिमा सारी, कितना सुंदर गान करती है। उसके गान को सुनकर के बड़े बड़े गंधर्व हिल जाते हैं, जड़ जो है वो जंगम हो जाता है, नदी पाषाण बन जाती है और पाषाण पिघलने लगते हैं। देखा मेरे कृष्ण के बंसी का गुण, मेरे कृष्ण की बंसी में सुंदर सुंदर नादामृत प्रवाहित होती है, कृष्ण की अधर सुधा। शारी बोले सत्य बटे, हाँ सच है ठीक है। बोले राधा नाम, तुम्हारी बंसी सिर्फ राधा राधा कहकर पुकारती है और इस बंसी को कुछ पुकारना नहीं आता, और कुछ पुकार ही नहीं सकती। तो फालतू की बात बोल रहे हो, गान गान गान, तो राधा राधा बोलती है सर, और राधा रानी बोलती है नहीं कि अरे बंसी चुप रहो, क्यों राधा राधा कहकर मेरा नाम पुकारती हो, गुरुजनों के आगे मेरा अपयश करती हो। कितना सुंदर है ना। शुक बोले अमार कृष्ण प्रेमेर भिखारी, कि देखो तुम बड़ी दीनता की बातें करती हो, लेकिन मेरा कृष्ण से दीन कोई होगा, प्रेम का भिखारी है मेरा कृष्ण। शारी बोले अमार राधा से ही प्रेमेर लहरी, भीख मांगोगे किससे, जिससे मांगोगे वो संपत्ति तो इसी के ही पास है, जिसके पास होगा उसी के पास तो जाओगे, बताओ ना, उसी के पास जाओगे। तो ये जो निधि है ये तो प्रिया जी की निधि है। शुक बोले अमार कृष्णेर कदम तलाए थाना, शारी बोले अमार राधा करे आना गोना, यानी मेरे कृष्ण के कदमों के नीचे ही सब कुछ है, वही थाना है कह रहे, मगर थाने में जो अधिकारिणी है वो प्रिया जी हैं, थाना तुम बना लो मगर जो मेन कोतवाल वो तो प्रिया जी हैं, उन्हीं के पास आना पड़ेगा। फिर बोलते हैं शुक बोले अमार कृष्ण जगतेर भालो, जगत में जितना भी अच्छा है सब कुछ मेरा कृष्ण है। तो शारी बोले अमार राधा रूपे जगत आलो, तुम्हारा कृष्ण काला है, जहाँ जाएगा अंधकार अंधकार ही तो होगा उसके कालेपन से, पर मेरी प्रिया जी का जो रूप है उसी से जगत में उजाला है। देखो ये, और श्याम सुंदर और जो स्वामिनी जी हैं दोनों बैठ के हंस रहे हैं, कोई नहीं दुखी हो रहा कि हमको तो ऊंचा कह दिया और उसको नीचा कह दिया, सब बड़े सुखी हो रहे हैं। शुक बोले अमार कृष्णेर श्री राधिका दासी कितनी बड़ी बात बोल दी अब शुक जी ने, अब तो मतलब नहले पर दहला मार दिया कि बहुत तुम राधा राधा कर रही हो, मगर जिस राधा का इतने प्रेम से तुम नाम ले रही हो, अरे वो तो मेरे कृष्ण की दासी है, दासी। बोले सही बात। शारी बोले सत्य बटे साक्षी आछे बांशी कैसी कैसी दासी है हमें पता है, उसका जो प्रमाण है तुम्हारी बंसी है जो राधा राधा कह के पुकारती है, कोई दासी का नाम थोड़ी ना लेता रहेगा हमेशा बंसी पर। वही मालकिन है और कृष्ण दास है। महाप्रभु ने नहीं बोला गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, है ना, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास, आपको समझाया था ना कि जो कृष्ण है गोपीर भरतू उनके चरण कमलों का दास कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ, श्री राधा रानी, उनके भी दास का मैं अनुदास हूँ, महाप्रभु कह रहे हैं। वहाँ उनका कृष्णत्व ऊपर आ गया, राधात्व नीचे है, कृष्णत्व ऊपर आ गया। देखो फिर शुक बोले अमार कृष्ण
जगत जीवन, शारी बोले अमार राधा मधुर पवन। जगत के जीवन है मेरे कृष्ण, तो बोल रही हैं जगत के जीवन होंगे मगर बिना ऑक्सीजन के जगत नहीं जी सकता, तो पवन में ही ऑक्सीजन होती है और वो पवन मेरी राधा है। देखो क्या बात है। और शुक बोले अमार कृष्ण जगतेर प्राण, शारी बोले अमार राधा जीवन करे दान। है ना, जगत के प्राण है मेरे कृष्ण, और वो बोल रहे हैं कि नहीं जगत के प्राण होंगे लेकिन तो भी कई बार प्राणों की भीख मांगता है व्यक्ति, प्राण है तो भी प्राणों की भीख मांग रहा है। देखो तो कह रहे हैं वो जो प्राण है ना, प्रेम, प्रेम ही तो प्राण है। अगर जीव को जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका भटकना जारी रहेगा, ये तो पहली बात। अगर वो मुक्ति पा भी ले हरि नाम कर करके मुक्ति मिल भी जाए तो भी वहाँ सेवा रूपी रस की उपलब्धि नहीं होगी, वो सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो जगत को जो जीवन दान करेगा वो प्रेम ही तो करेगा, और प्रेम है, प्रेम स्वरूपणी है श्री राधा रानी। शुक सारी उभेर द्वंद्व मिटे गैलो, राधा कृष्णेर प्रीते एक बार हरि हरि बोलो। दोनों शुक और सारी का द्वंद्व अंततः समाप्त हुआ, क्योंकि बात तो सही है जीवन तो दान श्री राधा रानी ही करती हैं। इसका उत्तर शुक जी के पास नहीं था, दोनों चुप हो गए और राधा कृष्ण की प्रीति में दोनों ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल गान किया। तो इस तरह से गिरिराज गोवर्धन जी पर बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं श्री राधा श्याम सुंदर से संबंधित, और इसीलिए श्री राधा रानी बता रही हैं कि भक्तों का जो प्रिय धन है वो है गिरिराज, क्योंकि वहाँ पर उनके लीला के स्थली हैं। और कुछ एक मैं आपको बताती हूँ, वो जगह जहाँ पर कुछ विशिष्ट चिन्ह और शिलाएं हैं गिरिराज जी में, और इसका जो वर्णन आया है गर्ग संहिता में आया है, बहुत सुंदर श्लोक है जिसका अनुवाद है, कह रहे हैं कि गिरिराज गोवर्धन जी पर सर्व अंग में ही विभिन्न प्रकार के तीर्थ उपलब्ध हैं, और जहाँ पर ब्रजवासियों ने गो गोपगण समेत यज्ञ किया था, यज्ञ का अन्नकूट यात्रा का अनुष्ठान किया था, वो श्रृंगार मंडल जो स्थान है वो गिरिराज जी का मुख है, और मानसी गंगा गोवर्धन जी के नेत्र हैं, चंद्र सरोवर उनकी नासिका है, गोविंद कुंड अधर हैं और कृष्ण कुंड चिबुक हैं। ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं अपनी स्तवावली में, जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, है ना। श्री गुरुदेव ने बड़ी प्यारी व्याख्या की है, तो वहाँ बता रहे हैं वो कि श्री राधा कुंड श्री गोवर्धन जी की जिह्वा हैं और ललिता कुंड कपोल हैं गर्ग संहिता के अनुसार, गोपाल कुंड कान हैं और कुसुम सरोवर कर्ण के छिद्र हैं, और श्री कृष्ण का जो मस्तक चिन्ह समन्वित शिलाखंड है वो गोवर्धन जी का ललाट है। यहाँ पर वहाँ पर एक शिलाखंड ऐसा है जहाँ श्याम सुंदर का मुकुट उन्होंने रखा था तो उसकी छाप है, और चित्रशिला तीर्थ गोवर्धन जी का मस्तक है, खूब चित्र बनाते थे, तो ऐसा एक सुंदर एक शिला है जहाँ पर उन्होंने चित्र बनाया हुआ है, तो वो क्या है, उनका मस्तक है। बादनी शिला गोवर्धन जी की ग्रीवा है, वहाँ एक शिला है जिसको गोपगण लोग खूब बजाया करते थे, उसे बादनी शिला कहते हैं। कंदुक तीर्थ के जो बगल में उष्णी तीर्थ उनकी कटी है, कंदुक तीर्थ में अपने सखाओं के साथ श्याम सुंदर गेंद खेलते हैं, और द्रोण तीर्थ गोवर्धन जी का पृष्ठ है, और लौकिक तीर्थ उधर है, कदम खंड वक्षस्थल है, और श्रृंगार मंडल श्री गोवर्धन जी की जीवनी शक्ति है, और गोवर्धन में जिस स्थान पर श्री कृष्ण के श्री चरण चिन्ह हैं वो स्थान श्री गोवर्धन जी का मन है ना, और श्री कृष्ण के जो हस्तचिन्ह समन्वित स्थान जो हैं वो उनकी बुद्धि हैं, और ऐरावत हाथी आया था ना गोविंद कुंड के पास, तो उनके चरण चिन्ह जहाँ पर हैं, और सुरभि के
जो चरण चिन्ह जहाँ पर हैं वो श्री गोवर्धन जी के पंख हैं, पर्वतों के पहले पंख हुआ करते थे। और पुच्छ कुंड गोवर्धन जी का पुच्छ है, और वत्स कुंड बल है, रुद्र कुंड क्रोध है, इंद्र सरोवर काम है, और कुबेर तीर्थ उद्योग है, है ना। तो इस तरह से जो गोवर्धन जी हैं और उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई कि अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पर शिलाएं हैं, और भी अनेक शिलाएं हैं जिनसे कि वो काजल लगाते थे, गैरिक धातु से युक्त कलरफुल शिलाएं हैं जिनसे कि श्याम सुंदर जो हैं सुंदर अपना श्रृंगार करते हैं। इस पे भी बड़ी रसिकों ने बहुत कुछ लिखा है, जिस पर कभी समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताई गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बो। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि वो। आपके लिए एक सूचना मुझे देनी पड़ रही है, क्या पता आप याद ना रखें। सूचना ये है कि आगामी 24 तारीख को हमारी प्यारी श्री नित्यानंद जी की जो स्वरूप शक्ति हैं जानवा माँ, उनका आविर्भाव दिवस है। आप लोगों से निवेदन है कि आप वहाँ पधारें। मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे शायद अभिषेक होगा, तो आप 9 बजे पहुँच सकते हैं। साथ में श्री जानवा माँ का जो महोत्सव है हमारे श्री राधा कुंड में 3 दिन तक मनाया जाता है। किसी भी उनका आविर्भाव का महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है।
कितनी विशेष बात है, कितनी प्यारी बात। और समस्त हमारे जो भी भगवत स्वरूप उनका आविर्भाव दिवस एक दिन मनाया जाता है, गौरहरी निताई चांद सबका, पर जाहनवा माँ का जो आविर्भाव है वो तीन दिवस तक महोत्सव चलता है। श्रीकुंड का बहुत सुंदर प्यारा महोत्सव है हमारे प्यारे गुरुदेव जी के अनुगत्य में। तो आप अगर वहाँ पर वैष्णव सेवा होती है, अनेक जो है उत्सव होते हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप यहाँ द्विवेदी जी को दे सकते हैं। जय जय श्री राधे।